हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हृदय रोग यानी कि हार्ट डिसीज़ में प्याज का सेवन करना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसका सेवन करने से आपको क्या क्या लाभ होंगे। फ्रेंड्स, सिर्फ हृदय रोग ही नहीं, कैंसर और दमा जैसे रोगों में भी प्याज का सेवन करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। प्याज का आप यदि नियमित रूप से सेवन करते हैं किसी न किसी रूप पर, तो आपको इन रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। कच्चे प्याज का सेवन करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ये काफ़ी कम करता है और उच्च रक्तचाप में कमी लाता है, जिससे आपके हृदय रोग में काफ़ी लाभ होता है। फ्रेंड्स, हृदय रोगी जो भी हृदय रोगी है, उन्हें नियमित रूप से प्याज का सेवन करना चाहिए, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही कैंसर की संभावना को भी ये काफ़ी कम कर देता है और दमा जैसे रोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।